नमस्कार मित्रों की नई वीडियो फिर स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में दिखाने वाले बुद्धलेस लेकर दशाश्वमेध तक उन्हें नजारा दिखाऊंगा और वीडियो बनेगा उस वहाँ पे जो कंडक्शन वर्क चल रहा है वो भी दिखाऊंगा, जो दशाश्वमेध चौड़ी क्रम किया जा रहा है। और आज 7 मार्च होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोग को। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं पूरा। तो ये देख रहे हैं हम यहाँ से पूरा, आप ये है आपका गोदौलिया चौराहा यानी गोदौलिया के हृदय स्थल। यहाँ पे भी डीजे लगता है लेकिन यहाँ पे आज भी चालू नहीं हुआ, बंद है एकदम प्रॉपर तरीके से। फिर भी लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, लोग घूम रहे हैं यहाँ पे इस समय। ये देखिए इधर भी निकले हैं लोग, देख रहे हैं होली माहौल बना हुआ एकदम है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से, आपको दिखाते हैं पूरा नज़ारा यहाँ से आपको चल के। देख रहे हैं माहौल बना हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं एकदम। ये देखिए लोग अपना इडली डोसा एकदम पूरा खा रहे हैं, बस जो अपने धुन में मना रहे हैं अपने धुन में मना रहे हैं। देखिए गाय माता भी खड़ी है यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं। अभी देखिए आज देखना कि दुकानें खुलती हैं कि नहीं खुलती हैं आज पूरा। ये देखिए जब बाल लगा के लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे भी साइड में भी। भैया लोग मस्ती में जा रहे हैं अपना, और दुकान यहाँ पे देखिए लगी चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा एकदम तरीके से। पीछे भी दुकानें यहाँ बंद है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये इडली डोसा की दुकानें तो खुली हैं खाने वालों की, जो नाश्ता करते हैं उनके लिए खुली गई है दुकानें, क्योंकि कल होली लोग कुछ तो मना रहे हैं ना, इसलिए दुकान खोली आज। तो चलिए यहाँ से मैं चलूँगा पूरा दशाश्वमेध तक, पूरा दिखाऊँगा जहाँ तक कुछ हो रहा होगा अगर। देखिए इधर भी होली गुलाल से होली खिला गया जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा एकदम टंगा गया है फुटपाथ एकदम जैसा कि देख रहे हैं पूरा। ये देखिए चाय मिल रहा है, तब क्या जाइए भैया, दुकान भी खुली हुई है, मजाक थोड़ी ना है। धीरे धीरे दुकानें खुल रही हैं धीरे धीरे, अब देखना कि साड़ी की दुकानें यहाँ पे खुलती हैं कि नहीं आज। ये देखिए एकदम माहौल में लगे हुए हैं एकदम जैसे प्रॉपर तरीके से। ये आप क्या बने हैं, आप अभी क्या बने हैं? लड़की बने हैं, बर्बी डॉल। बर्बी डॉल, बर्बी डॉल। होली आज मना रहे कल मना रहे आप लोग? दोनों दिन। ऐसा पहली बार हुआ कि 2 दिन होली मना रहे हैं, बताइए लोग। योगी जी की कृपा है, योगी जी की कृपा है। देखिए भैया भी इधर है या। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो यहाँ पे जैसे दशाश्वमेध में तो पूरा देख सकते हैं कि ये जला दिया गया है होलिका, क्योंकि 4 बजे भोर में होलिका जली है। दे चुके हैं अभी आप लोग का बहुत बढ़िया था ना। कौन सा चैनल पे आएगा? यूट्यूब पे AMT यूट्यूबर। हाँ ये आप काशी विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 1 सिंहद्वार है। महाकाल के दीवाने हम भी हैं, हमें पर थोड़ा ध्यान दे दो। हम लोग आ गए जस्ट आगे की तरफ एकदम। ये देखिए सब माहौल में है भैया लोग एकदम यहाँ से। यार राजा पगड़ी उगड़ी बना के लोग एकदम लगे हुए हैं। आ गए इस साइड में भी, चलिए किलोमीटर में दिखाऊंगा आपको हो रहा है। और धूप भी काफ़ी तगड़ी वाली हो गई है इस समय, सुबह का टाइमिंग है। तो भी
चलते हैं आगे भी, यहाँ पे भी होलिका जलाया गया इस साइड में भी। अब फिर चलते दिखाता हूँ आपको, इधर जो चौड़ीकरण किया जा रहा है दशाश्वमेध पे वो दिखाता हूँ। ये आप देखिए यहाँ से चौड़ीकरण किया जा रहा है। ये रोड देख रहे हैं जो यहाँ पे चुना पत्थर लगाए, ये पूरा एक बराबर यहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से पहले दुकान था, चाय की दुकान थी, जनरल स्टोर की दुकान थी, तो बहुत सारी दुकानें जो थी इसने यहाँ पे रोड नहीं बन पाया। देखिए पूरा अतिक्रमण हटाने के बाद अब यहाँ से आप देख रहे हैं पूरा ये बनना स्टार्ट होगा। ये देखिए पूरा काफ़ी तेज़ गति से मतलब काम किया जा रहा है। ये आपका चिन्मय कंस्ट्रक्शन वीडियो ने करवा रहे काम करवा रहा है ये। तो चलिए चलते हैं, हम आगे भी दिखाते हैं इस साइड से चल के आपको यहाँ से। देख रहे हैं रोड ये पूरा बन के तैयार, लगभग तैयार हो चुका है इधर का। ये देखिए यहाँ से अभी पूरा यहाँ से ये मिला दिया जाएगा इसको। ये देखिए यहाँ से अभी पूरा आपका यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा। चिंतन पार्क का काम स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, चिंतन पार्क का तेजी से काम चालू होगा यहाँ पे। होली के बाद यहाँ पर इतनी भी थोड़ी थोड़ी दुकान जो लगा रहे वो पूरा हट जाएगा। तो अब यहाँ से मैं चलूँगा आपको घुमाते हुए उस साइड से लेके इस साइड भी ले आऊँगा। इधर भी देखिए काम स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, जैसा कि देख रहे हैं पूरा यहाँ पे होलिका दहन किया गया है इस साइड में, मतलब तो वहाँ के लिए अधिकतर हर जगह आदि जला दिया गया है। ये देखिए यहाँ से इधर भी डेवलपमेंट हो रहा है आपका। चलिए दिखाता हूँ उस साइड से आपको चल के थोड़ा सा इधर से। ये देखिए देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे लोग गाड़ी स्टैंड लगा दिए हैं। उस साइड भी आप देख रहे हैं दुकानें लग गई साइड साइड में, और कुछ दिन बाद ये जो लगा रहे हैं ना इनको भी नहीं लगाने को मिलेगा, क्योंकि जिनको दुकान लेना अंदर दुकान ले। पूरा आपका ये तोड़ दिया गया, चलते हैं इस साइड से, चलते दिखाते हैं आपको चल के यहाँ से। ये हम लोग आ गए हैं आपका दशाश्वमेध भवन की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे चार पांच बैंक भागीदारी ली है, लोन प्रोवाइड कर रही है, जिनको दुकान लेना है वो लोन की मदद से भी दुकान ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि कार्यालय बनाया गया, पंजीकरण भी किया जा रहा है। देख रहे लिखा है ना यहाँ पे कैंप लगाया गया है, वहाँ लोन मिला। ये देख लीजिए आप, और यहाँ पे देखिए लिखा है ना, ये मैं कल की वीडियो में दिखाया था आपको, पंजीकरण एवं आउटन हेतु करा, इसके अंदर सब्जी की दुकानें लगी हैं। ये लिखिए बोर्ड लगाया, पंजीकरण एवं आवटन हेतु कार्यालय। और यहाँ पे आपकी सब्जी की दुकानें लगी चुकी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा इसी के अंदर सब्जी की दुकान लगी इस साइड में अंदर। और चलते हैं यहाँ से आपको दिखाते हैं बाहर की तरफ पूरा, और यहाँ पे गाड़ी भी लग चुकी है, स्टैंड बना दिए जैसे लग रहा है। ये बनारस है, बनारस के लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये हम लोग आगे सब्जी मंडी की तरफ आ गए हैं दशाश्वमेध। ये आपका रैंप बनाया गया है थोड़ा सा चलने के लिए। पूरा मार्केट लगा हुआ है सब्जी मंडी का, सब्जी मंडी के बाहर दशाश्वमेध की तरफ। ये देखें यहाँ से देखिए, ये भी किनारे का रोड बना है, उसके बाद आगे नहीं बना तो बनाया जाएगा। ये पूरी आगे बाउंड्री पूरी है। सब्जी लगा रहे हैं लोग यहाँ पे, सब्जी इधर भी साइड भी तोड़ा जा रहा है। ये देखिए पूरा इधर भी दुकान लगी है एकदम। Thank you.
हम आपको इधर ले चलता हूँ, साइड दिखाता हूँ चल के यहाँ से। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि पूरा एकदम ख़त्म कर दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये अब ये जितना इधर रोड नहीं बनाया गया, सब्जी दुकान थी सब्जी मंडी की, इधर भी रोड बनाया जाएगा साइड में भी। ये देखिए देख रहे पूरा। ये हम लोग आ गए राजेंद्र प्रसाद घाट वाले रास्ते पे आके। ये देखिए पूरा यहाँ से सब जंजर हो चुका है साइड में। ये यहाँ से इधर घाट निकल जाएंगे साइड से। ये यहाँ से देख रहे हैं ना, ये पूरा एकदम गिरा दिया गया यहाँ पे, एकदम कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है। चलिए वीडियो को ये समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए ताकि आपको भी मुझे भी फ़ायदा मिल सके। ये मिलते हैं कि नई वीडियो, तो जय हिंद, वंदे मातरम, हर महादेव, होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।